हाय एवरीवन, मेरा नाम समीर है। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको अनअकैडमी पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग आए हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास लेके। जैसे अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, जिसमें मैंने आपको टीवी सीरीज बताया हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं मूवीज़ पे भी ज़रूर आऊँगा, देन यस, हमारे पास एक 5 मूवीज़ जो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि 5 मूवीज़ जो आपको देखनी चाहिए टू बी लाइक यू नो, अगर आप क्लैट एस्पिरेंट और आप जानना चाहते हो कि आपकी लीगल जर्नी आगे की फ्यूचर की कैसे होने वाली है। टीवी सीरीज़ तो मैंने बता दी आपको, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी एक्चुअली में जर्नी, जब हम लोग आगे जाएंगे मूवीज़ में, 3-3 घंटे की जब मूवीज़ देख रहे होते हैं, कैसे उसमें सम अप किया हुआ है हमारी लीगल वाली, क्या एक्चुअली में सच्चाई चीज़ें दिखाई नहीं दिखाई दी गई है। जैसे जॉली एलएलबी की अगर मैं बात किया जाए, तो उसमें जैसे दिखाया दिया जाता है मजाक और ये सारी चीज़ें दिखाई बढ़ाई जाती है एज अ लॉयर, क्या ऐसा ही होता है? नहीं, वैसा नहीं होता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अगर उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी। जैसे कि अगर किसी ने वीडियो पहली बार देखा है, अनअकैडमी में पहली बार आ रहे हो, तो एक अनअकैडमी में बहुत ही अच्छा फीचर होता है, यू कॉल इट एज रेज अ हैंड फीचर। जैसे तुम एक नॉर्मली क्लासरूम में बैठे हो और टीचर तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे पा रहा हो, तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, ये टॉपिक का बहुत ही इंटीग्रल कॉन्सेप्ट पार्ट है, तुम उसे इंप्रूव करना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम रेज अ हैंड यूज़ करते हो, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेज अ हैंड फीचर ज्वाइन कर लिया गया। ऑब्वियसली अनअकैडमी में रिसेंटली ये स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, तो यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस थिंग। आप आएंगे, आपको ये सारी अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिल जाती है, जैसे अनलिमिटेड क्विज मिल गए। तुम्हें पता है क्विज में एक एक होता है ना, हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम क्विजेस में सॉल्व करने जा रहे होते हैं, हमारा क्या होता है, हम और इंप्रूव होते जाते हैं, राइट। सो यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर क्विजेस एनी टाइम एनी वेयर। लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, तो मैं अगर कहीं पर भी तुम बैठे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी तुम ट्रेन में जा रहे हो, इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा स्टेबल चल रहा है, तुम कोई भी कहीं पर भी बैठ के लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। जैसे यूट्यूब पर बैठते हो, तो यूट्यूब पर तुम्हें पता है इतने सारे फीचर्स नहीं होते हैं, डिले मिलता है, कभी कभी बातें नहीं मिलती, मगर अनअकैडमी के ऐप में जब तुम जाते हो, तुम एजुकेटर्स तुम्हें रिप्लाई देते हैं, तुम उनसे डायरेक्टली अपनी डाउट सॉल्व करवा सकते हो। एक क्वेश्चन का बटन होता है, तुम्हें पता है अगर तुमने कभी क्लासेस अटेंड नहीं की होगी, तो एक बटन होता है जिस पर तुम अपनी डाउट अपलोड कर सकते हो फोटो के साथ, एंड टीचर विल सॉल्व इट राइट लाइक नो लाइव इन दी क्लासेस। मैं तो अपनी क्लासेस में बहुत करता हूँ, बाकी एजुकेटर्स भी ये करते हैं, तो तुम्हारी अगर कभी भी डाउट हो, तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू मी। मेरा नाम समीर है, मैं समीर अहमद, तो मुझे सर्च कर सकते हो ऐप में। मैं तुम्हारी अगर कभी भी इंग्लिश में कुछ भी डाउट आए, प्लीज़ रीच आउट टू मी। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम दी बेस्ट एजुकेटर्स एंड एलुमनाइज। चलो हम एलुमनाइज नहीं होंगे, पर अगर वहाँ पे एक्चुअली में इतने सारे लोग हैं, जैसे दिव्य गर्ग हो गए, बहुत बहुत तमाम एजुकेटर्स हैं जो बिल्कुल एक्चुअली एनएलयू बैंगलोर, उन्होंने सारे एनएलयू से, तमाम एनएलयू से पढ़ाई कर रखी है, वो तुम्हें सिर्फ राइट गाइडेंस करेंगे कि तुम कैसे एनएलयू जा सकते हो। अब एक नेशनल मॉक टेस्ट, मतलब होता है ना बच्चे, जितने भी नेशनल मॉक टेस्ट होते हैं अकेडमी में, तुम्हें सारे के सारे मॉक अवेलेबल मिल जाते हैं, बस टाइमिंग लिए भी जाओ, उनको सॉल्व करो, अपने स्कोर को एनालिसिस करो और अपने आपको और इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। वीकली इवेंट्स होते हैं, जिसके बारे में भी हमने तुम्हें अभी लेटर हाफ में थोड़ा बताऊंगा, देन यस ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। वॉरियर बैच, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वैसे बता रखा था, मगर अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको एजुकेटर्स काफ़ी लाइक नो काफ़ी एक्सपीरियंस एनएलयू वाले एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। क्लैट 2022 की अगर जर्नी आप एक्चुअली में क्लियर करना चाहते हो, आई वुड से गो फॉर दिस बैच एंड इट विल हेल्प यू आउट, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट द बेस्ट वे यू कैन। क्योंकि बच्चे तुम्हें पता है 5 गुण सब गुण, तुम्हें पता है तुम्हें लीगल रीजनिंग पढ़नी है, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, तुम्हें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़नी है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, तुम्हें जनरल अवेयरनेस में आना चाहिए, 5 के 5 टॉपिक्स तो इस बैच में कवर हो रहे हैं। यू शुड डेफिनेटली टेक दिस बैच अगर तुम 2022 की तैयारी कर रहे हो। अब हमारे क्लास के 11 के छोटे प्यारे बच्चे आ जाते हैं, जिनको एक्चुअली अभी उन्होंने स्टार्ट किया होता है, इतनी अच्छी से, मतलब होता है ना फुल गियर में अभी पढ़ाई नहीं करनी होती, मगर बहुत धीरे धीरे अपने बोर्ड्स के साथ हर चीज़ 11th 12th के बोर्ड्स को सब मैनेज करके आगे जो बढ़ रहे होते हैं, ये बैच उनके लिए है। जैसे कुछ लोग ड्रॉप भी कर लेते हैं ना, डिसाइड करते हैं 12th करके इस साल बोर्ड पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग अपना वापस इस वाले में उतर जाएंगे। तो अगर तुम तैयारी करना चाहते हो लाइक 2023 आराम से स्लो पेस में अपने कॉलेज स्कूल को सब मैनेज करके, देन आई थिंक दिस बैच इज फॉर यू। 2023 अगर ड्रॉप लेके करना चाह रहे हो, अगले साल देना चाह रहे हो, अगले साल नहीं, 2022 के अलावा 2023 में देना चाह रहे हो, देन दिस इज अ 2-year कोर्स, आप आराम से ले लो। बस ये प्लस की क्लासेस होती है बच्चे, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम बिल्कुल नए हो प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा क्लैट के अलावा भी देर आर मेनी एग्जामिनेशन, जिसके बारे में शायद तुम्हें पता भी ना हो, बीलेट, एलेट, एएलसेट, एसलेट, ठीक है, एमएससीटी, एएपी लॉ सेट, ये तमाम लाइक यू नो एग्जामिनेशन के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो, और अकेडमी में ऐसी स्पेशल क्लासेस सीरीज में चलती रहती हैं, अभी तो चली रही है, ये स्केड्यूल तुम्हारे सामने है, आने वाले समय में भी चलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक यू नो डू लाइक यू नो डाउनलोड दी ऐप एंड थोड़ा सा देखो जाके, मतलब बहुत अच्छे सीखेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, अगर तुम अभी तक इस वीडियो पे टिक गए, तो आई एम होपिंग दैट यू विल अटेंड माय क्लासेस। तो मैं अभी तो बच्चों को वैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी वर्ड पार मेड इजी, रेन मार्टिन और ये सब चीज़ें सॉल्व कराता हूँ, मगर हाँ कुछ हमारी क्लासेस हैं जो कि बहुत ही रेगुलर रहती हैं, दैट इज 12 नून को, जो मैं तुम्हें कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। तुम्हें पता
है एज अ लॉयर तुम्हें कम्युनिकेट करना अपने आप को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, देन येस आई टीच सॉफ्ट स्किल्स इन द रॉयल नून। उसके अलावा बच्चे अगर तुम वर्ड बार में ईडीसी को सॉल्व करना चाहते हो, जैसे तुम्हें पता वर्ड बार में ईडीसी इज अ वेरी पर्सनल बुक, माना जाता है कि हाँ उसे पर्सनली सॉल्व करना चाहिए, मगर अगर तुम मेरी गाइडेंस के अंदर उसे सॉल्व करना चाहते हो देन येस यू कैन डेफिनेटली अटेंड माई 3:30 वाली क्लास, जिसमें तुम आओगे आराम से, आओ वर्ड बार में ईडीसी में कुछ भी डाउट आती है मुझसे पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे तुम्हारे डाउट सॉल्व भी करवा दूंगा। बाकी हम लोग अभी चैप्टर 23 पे चल रहे हैं, अगर तुम पुराना देखना चाहते हो मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, बट यस अभी के लिए अगर तुम आगे हमसे करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन कम टू द क्लासेस। 10:30 में हम क्विज करते हैं बच्चों, जिसमें मैं तुम्हारी वोकैबुलरी टेस्ट करता हूँ कि जितना तुम पढ़ चुके हो रिटेन किया है या नहीं किया है, देन यस वी हैव अ क्विज एट लाइक यू नो 10:30। ये हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, रेस्ट प्लस में तुम्हारा कोर्स चलता ही रहता है, और ये मंडे टू सैटरडे रोज चलती है, मंडे टू सैटरडे ये टाइम पे आपको हमेशा हमारी क्लास मिलेंगी। तो अगर कभी भी आप ऐप पे जाते हो, अगर आप पहली बार आते हो तो यस इट माइट आस्क यू अ कोड दैट इज सैम, यू कैन फिल सैम और यू कैन फिल ऑथर लाइव, ठीक है, आप ऑथर लाइव वहाँ पे डाल सकते हो, मेरा कोड है ऑथर लाइव या फिर सैम आप डाल दो, दैट इज बेस्ट ऑथर लाइव इसलिए बिकॉज आई हैव ऑथर टू बुक्स, देन यस इट इज। अब बात आ जाती प्लस की, अगर आप हमारी प्लस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर उन बैचेस की जिनकी मैं बात कर रहा था ज्वाइन करना चाहते हो, हाउ यू कैन ज्वाइन, यू हैव टू जस्ट यूज द कोड सैम फॉर 10% डिस्काउंट, और इन सब अमाउंट्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन से महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर आप सीएस लेना चाहते हो, मैं कहूँगा कि अगर आप क्लैट की जर्नी करना चाहते हो, आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, आई वुड से टेक अप एनी बैच, टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज द कोड सैम, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, एंड देन इट्स अ वर्थ इट थिंग। ये लाइव क्विज बच्चों, बिलीव मी मेरे लाइक यू नो माई स्टूडेंट्स लव दिस फीचर, कभी भी क्लास एंड होती है मैं सबसे पहले उनसे उन्हीं टॉपिक का ना क्वेश्चन करवा देता हूँ, और इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अकेडमी के क्वेश्चन बैंक में इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ट्रस्ट मी मैं भी इतने मतलब मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कभी कभी ऐसे ही जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं भी खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर, अगर तुम ऐसे कोई एक्जिस्टिंग स्टूडेंट है जो उसने अभी तक इसको अवेल नहीं किया, मैं तुम्हें क्या कहूँगा, तुम्हें बस अपने सेल्फ स्टडी वाले उसमें जाना है जो कि सेंटर बटन होता है अपडेट होने के बाद, उसके बाद तुम जाओ क्विजेस में जाओ, लाइव क्विजेस में सर्च करो, कोई भी क्विज हो रहा होगा उसमें जाके एकदम से क्विज दे दो, ठीक है, और बिल्कुल से मतलब होता है ना कि आराम से क्विज का आंसर देते रहो डिपेंडिंग ऑन द टाइम सीरीज कि जिसने भी होस्ट किया हुआ है वो क्या चल रहा है, और ये थ्रू आउट द डे 12 आवर्स के मतलब पूरे साइकिल में चलता रहता है। दीज आर दी अदर थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, 2 PM संडे को 2 August में होता रहता है, और अभी तक अगर तुमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दी अन अकेडमी क्लैट चैनल, एंड कमेंट तो करना जरूर कि अगर तुम्हें मेरे कैसा लगा। तो बच्चे नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी मूवीज, अभी तक मैंने तुम्हें टीवी सीरीज के बारे में बताया था कि 5 मूवीज जो तुम्हें अन अकेडमी बोलो जो तुम्हें एक्चुअली क्लैट जर्नी में जो तुम्हें देखनी चाहिए, जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लाइफ होती है, तुम कैसे बेटर हो सकते हो, क्या क्या चीज़ों में तुम्हें और अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। फर्स्ट वुड बी द लिंकन लॉयर, ओके, अ क्वेरी सस्पेंस मूवी, अगर तुम इसको एक्चुअली में देखो, मैं अगर मैं इसकी एक स्पॉयलर अगर तुम्हें नहीं देना चाहूँगा, बट बिलीव मी द लाइफ ऑफ अ लॉयर इससे बेटर मूवी में कहीं नहीं दिखाया जा सकता, कैसे वो स्ट्रगल करता है, कैसे उसकी एकदम से लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही होती है, एक इंटेंस केस उठाता है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, अ लॉयर डिफेंडिंग अ वेल्दी मैन बिगिंस टू बिलीव दैट हिज क्लाइंट इज गिल्टी ऑफ मोर देन जस्ट वन क्राइम। किसी इंसान को आपको पता है कि कभी कभार आप ऐसे केसेस इन फ्यूचर उठाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपका जिसको आप डिफेंड कर रहे हो वही एक्चुअली क्रिमिनल है, तो यस इस मेंटालिटी को अगर आप सीखना चाहते हो तो कैसे इसमें इन्होंने कैसे किया है, स्टोरी में क्या होता है, क्या वो उसे डिफेंड करता है या वो उसे रिवील करता है, मॉरली की अगर बात की जाए तो ये मूवी आपकी मॉरल वैल्यूज को काफी अच्छे से सेट करेगी, तो गो फॉर द लिंकन लॉयर। सेकंड माइकल क्लेटन की द ट्रुथ कैन बी एडजस्टेड, माइकल क्लेटन अ लॉ फर्म ब्रिंग्स इन इट्स फिक्सर टू रेमेडी द सिचुएशन आफ्टर अ लॉयर हैज अ ब्रेक डाउन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल कंपनी दैट ही नोज इज अ गिल्टी ऑफ मल्टीबिलियन क्लास एक्शन सूट। बच्चे कंपनी लॉस पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, मगर कंपनीज कैसे इससे बचती है, कैसे क्या करती है, आई थिंक माइकल क्लेटन वुड बी द बेस्ट मूवी फॉर यू टू हैव अ वेरी गुड पिक्चर अबाउट इट। डेविल्स एडवोकेट, ये इसको बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इफ यू आर ऑन नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर आपको ये बार बार सजेशन में दिखाता ही रहता है, एंड आपने इसको देख ही लिया होगा, इसको अब तक आई थिंक आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा कि करियर को कैसे हाई एंड मतलब कैसे आप कर सकते हो, कैसे गॉडफादर की हेल्प यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर इन दिस टीवी सीरीज, डेफिनेटली यू कैन सी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, एटिकस फिंच का एक लॉयर इन अ डिप्रेशन एरा साउथ डिफेंस अ ब्लैक मैन अगेंस्ट द अनडिजर्व्ड रेप चार्ज एंड हिज चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रेजुडिस, ये एक ऐसी बुक है, मतलब मैंने इसको बुक भी पढ़ रखी है और इसकी मैं सही बताऊँ इसकी टीवी सीरीज भी काफ़ी अच्छी है, तो यस डेफिनेटली यू शुड लाइक यू नो सी दिस मूवी, इसको मैं बोलूंगा नहीं, इसको बिल्कुल अंधा जाकर इस मूवी को देख लेना, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऐसी अवेलेबल है जाके देखना, कुछ मतलब कुछ में चलो नेटफ्लिक्स नहीं अमेजॉन नहीं कोई बात नहीं, पर इसको मूवी को जरूर जाके देखना, तो किल द मॉकिंग बर्ड मेरे कहने पर जरूर देख लेना। द ट्रायल ऑफ शिकागो 7, बच्चे ये 7 पीपल ऑन
ट्रायंगल वाली चीज़ जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे तुम देखते हो ना कि हम सोसाइटी को भी कैसे इम्पैक्ट आता है किसी केसेस में, देन येस दिस इज़ अ सीरीज़ विच यू शुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। इसको अपने उस लिस्ट में डाल दो अगर तुम एक्चुअली में कुछ सीखना चाहते हो कि हाँ सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तुम जब एक लॉयर जाके वहाँ पे कर रहे होगे, लॉयर के कितने चैलेंजेस खाली इनसाइड द रूम या फिर आउटसाइड सबूत और में नहीं होते, सोसाइटी से भी क्या क्या फेस करना होता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट मूवी यू कैन डू। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड मैं आपसे फिर से मिलूंगा ऐसी वीडियोस ला ला के। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन ज़रूर दबा दो, क्योंकि आगे अगली बार मैं कभी वीडियो लेके आऊँ तो तुम्हें सबसे पहले पता चले। मेरी क्लासेस का टाइम मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम मैंने अकेडमी डाउनलोड कर सकते हो। एंड सी यू ऑल, आई एम होपिंग टू सी यू ऑल इन माई क्लासेस। और ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियो देख के तुम मेरी क्लासेस में आए हो। आई वुड लव टू लाइक यू नो रिप्लाई टू यू इन माई कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।